हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज के बारे में जानेंगे। वैसे तो मेरे हर वीडियो का मकसद यही होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज दिया जाए। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि ये जो है आप देख रहे हैं, ये है कीबोर्ड। अब कीबोर्ड किस चीज़ का है? ये है थोड़ा सा लैपटॉप का कीबोर्ड होता है। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेरा कीबोर्ड ख़राब हो गया था, पीसी का लैपटॉप का। तो मैं जब चेंज करवाने गया तो क्या हुआ कि जिस पार्टी ने इसे बदला, जिस मैकेनिक ने, उसने मुझसे टोटल 3000 रुपीज़ लिए। और तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कीबोर्ड की कीमत मात्र 350 से 400 रुपये होती है, और इसे लगाने का बेहद ही आसान तरीका है। बस ऊपर से अगर आपको दी खराब होगा, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या प्रोसीजर होता है। ये देखिए, यहाँ से कुछ पेज को खोल लेते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं, इधर से उसको निकाल के बहुत ही आराम से लग जाता है। इसमें कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो होता है ना, ये जो सेक्शन, थोड़ा सा मैं नज़दीक ले जाकर दिखाता हूँ आपको ताकि आपको दिखे। बस ये उसमें ले जाकर फिट कर देना होता है, और बस इसको आप इसका ये वाला जो हिस्सा रहता है, ये जैसे ये जो निकले हैं सब, इसके जो ब्लेड से निकले हैं, इसको हम लोग इधर करते हैं और सामने से इसे लगा देते हैं। तो सॉरी, हर सेक्शन अलग है। इसका ऐसे रहता है, और ये इसका स्पेस बार है, इधर रहता है, हम लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जानकर आश्चर्य होगा, मतलब क्या, अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी इस सब का नॉलेज नहीं है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा घाटा हो जाएगा, जैसा कि हमें हुआ है। तो हम चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई सिस्टम है, या आपके फ्रेंड लोग के पास सिस्टम है, या किसी के भी पास सिस्टम है जिनको मतलब इस तरह से प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप इधर उधर लेकर आप दौड़ेंगे, मैकेनिक्स के पास जाएंगे, और मैकेनिक्स क्या करेगा कि बस थोड़ा सा, ये 2 मिनट का मात्र काम था, 2 मिनट तो मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 1 मिनट का काम था। बस इसको लगा कर, जैसा मैं बता रहा हूँ, बस इसको एक क्लिप है, एक क्लिप टाइप से वो फंस जाती है, और कुछ इसमें ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि आप लोग भी इस तरह से चीज़ थोड़ा बहुत जानते रहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नील रहें एकदम, और बेफाजुल का पैसा आप अपना नुकसान करें। तो बाज़ार से आप अपना जाएंगे, अपना ये आपका जो लैपटॉप का जो भी अपना मॉडल है उसको दिखा देंगे, और वो आपके उसी के अनुसार दे देंगे, और वही तुरंत आप चाहें तो बदल सकते हैं। घर लाने की भी ज़रूरत नहीं है, अपना लैपटॉप खोल ओल कर ले जाइए, ये ऊपर वाला हिस्सा, और बस वहीं पर आप इसको क्लिप में फंसा कर सेट कर देख लीजिए कि सही पैनल बैठ रहा है कि नहीं। जो कीबोर्ड का ये पैनल है, इसमें ये सही बैठ रहा है कि नहीं, फिर ओके। तो मेरा जो ख़राब था, मैं ये इसी से मैं आपको एडिटिंग कर बताता रहता हूँ। और एक और मेरा पीसी है, सॉरी लैपटॉप है, वो आजकल थोड़ा उसे मैं रखा हूँ, इसे ज़्यादा रफली यूज कर रहा हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए उसको बड़ा संभाल कर यूज करना पड़ता है। इसको मैं यूँ ही रफली जहन ही तहें उठा कर मैं उसको रफली यूज कर लेता हूँ। तो जो मैं आपको वीडियोस दिखाता रहता हूँ, सभी से मैं एडिटिंग इसी से करता हूँ। तो ये जो प्रॉब्लम्स हुई थी, मैं सोचा कि एक बार बता दूँ। वो देखिए फ्रेंड्स, नॉलेज आपको कहाँ से भी मिल जाए, अच्छी नॉलेज, आपका कुछ बेफाजुल का घाटा ना हो, तो मेरी यही इच्छा रहती है कि मैं आपको कुछ ठीक ठाक चीज़ बता दूँ जो मुझे जानकारी है। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं जो बताता हूँ वही चीज़ें बेस्ट हैं और वही फाइनल है, क्योंकि नॉलेज का तो कोई सीमा है नहीं। आपको जहाँ से भी अच्छी नॉलेज मिले, आप उसको एक्वायर करते रहिए। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मैं आपको टेक्निकल और कोशिश करूंगा तो आपको कुछ अर्निंग से भी रिलेटेड हम सॉलिड चीज़ बताऊं, ताकि आपकी अर्निंग वाकई में होने ही लगे। ऐसा नहीं, क्योंकि स्टूडेंटों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अर्निंग की होती है, तो मैं आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ लेटेस्ट जानकारी के साथ, और तब तक संजय सिंह इंडिया एजुकेशन टीवी देखते रहिए। और मैथ्स से जानकारी, अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो www.videomathstudy.com, जैसा कि मैं बताता रहता हूँ, उसे जाकर आप विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, हैव ए नाइस डे।